श्रद्धा दिल में रखो। अंधविश्वासों में क्या रखा है, स्वयं दर्शन दिए हैं प्रभु ने, जब जब इंसान ने उन्हें परखा है। देश में लोगों के बीच आपस में विश्वास हो ना हो, लेकिन अंधविश्वास कहीं कहीं कूट कूट कर भरा है। काली बिल्ली के रास्ता काटने से लेकर घर में कांच टूटने तक सभी चीजों में लोग अंधविश्वास ढूंढ ही लेते हैं। अंधविश्वास से भरा एक मामला प्रदेश के सिंगरौली जिले से देखने को मिला, जहां एक साथ दर्जनों महिलाएं खुद पर भूत पिशाच चढ़े होने को लेकर झाड़फूंक कराने पहुंच गए। लोगों में अंधविश्वास ऐसा कि इस खबर को सच मानकर सैकड़ों की तादाद में आसपास के ग्रामीणों ने भी कठास गांव के पास की एक पहाड़ी पर डेरा जमा लिया। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर पता चला कि सोनभद्र के डिबुलगंज की निवासी पानमती अपने मायके आई, जहां उसने एक महिला के ऊपर भूत चढ़ जाने की बात कही और इसे उतारने के लिए कहा। फिर क्या था, यह खबर जंगल में आग की तरह आसपास के ग्रामीण इलाकों में फैलती चली गई और दूर दराज से लोग खुद पर से भूत भगाने को लेकर कटासा पहुंचने लग गए, जिस पर माहौल बिगड़ता देख स्थानीय सरपंच ने मोरवा पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एक टीम भेजकर अंधविश्वासी लोगों को समझाया, लेकिन इसके बाद भी कुछ महिलाएं नहीं मान रही थी। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मोरवा पुलिस पानमती कोड़ को थाने ले आई, जहां कड़ी चेतावनी देने के बाद उसे छोड़ा गया। पुलिस ने लोगों को भी हिदायत दी ताकि इस तरह के अंधविश्वास से जुड़ी घटनाओं को हरगिज बढ़ावा ना मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP भारत।